स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम सिक्स क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 20, जो कि आज की तारीख 7 दिसंबर के लिए, उसको हल करेंगे। इस वर्कशीट में आप जो आपकी पोयम है द काइट, उससे रिलेटेड पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, आपके सामने क्या है, पिक्चर है काइट की। आपको क्या करना है कि थिंक द सम स्पेशल डे इन एन ईयर व्हेन पीपल फ्लाई काइट। आपको उस दिन के बारे में, कोई ऐसे विशेष दिन है जिस दिन काइट उड़ाई जाती है, यानी पतंग उड़ाई जाती है, वो लिखना है। एंड कलर द काइट गिवन, और इस जो दी गई पतंग है इसको कलर करना है। इसे आप उड़ाई क्या बोलते हैं कि काइट जो है इसको आप क्या करेंगे, कलर करेंगे, और किस दिन उड़ाई जाती है। तो आप देखेंगे कि जो मकर संक्रांति होती है, मकर संक्रांति, उस दिन काइट उड़ाई जाती है। एक जो पोंगल होता है, एक फेस्टिवल होता है साउथ इंडिया में, उस दिन उड़ाई जाती है। इंडिपेंडेंस डे के दिन उड़ाई जाती है। तो ये 2-3 स्पेशल डे हैं जब हमारे यहाँ काइट उड़ाई जाती है। अब आपको क्या करना है, चूज द फॉलोइंग सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बुक बॉक्स। देखिए, आपका जो बॉक्स बिलो है, वर्ड बॉक्स है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, और इन वर्ड्स को चूज करके इस सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। अ न्यू काइट लुक्स ब्रिंग ब्राइट इन द स्काई एंड इट डिप्स एंड डाइव्स, इट पुल्स द स्ट्रिंग्स एंड फ्लाइज लाइक ए शिप ऑन द वेव्स। अब देखिए, ये फर्स्ट में न्यू आएगा, यानी कि करते रहें, यानी फर्स्ट पे न्यू आएगा, सेकंड पे सिप आएगी, थर्ड में देखते हैं द विंड हेल्प्स इट राइड एंड रीच द मैक्सिमम हाइट, थ्री पे क्या आएगा, हाइट इन द स्काई, द काइट रेस्ट एट द टॉप इन द स्काई व्हेन द विंड, यानी फोर्थ पे क्या आएगा, विंड फॉल्स, यू विंड द स्ट्रिंज, यहाँ पे फिफ्थ आएगा, ऑफ द काइट व्हेन इट स्लैक्स, व्हेन द न्यू विंड ब्लोज यू अनविट इट अगेन, द न्यू विंड फील्स द विंग्स ऑफ द काइट विद एयर, यहाँ पे एयर भरेंगे, एंड इट गोज अप अगेन। तो देखिए बच्चे, 7 जो वर्ड्स थे उनको हमने कैसे क्या बोलते हैं, जो ब्लैंक स्पेस थे वहाँ पे फिल करके सेंटेंस को कंप्लीट किया। तो यहाँ पे आप इनको भरेंगे, जैसे यहाँ पे हमने न्यू लिखा है तो यहाँ न्यू लिखेंगे, यहाँ पे हमने सिप लिखा है तो यहाँ आप सिप लिखेंगे, चूँकि आप अपनी नोटबुक में लिख के और इसे पूरा करेंगे। अब नेक्स्ट है, देखिए कि मैच द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पोयम इन द कॉलम ए टू देयर मीनिंग इन द कॉलम बी। कॉलम वे में, ए में जो है आपकी पोयम से वर्ड्स दिए गए हैं, और इनकी मीनिंग जो है कॉलम बी में दी गई है, तो आपको मैच करना है। तो क्रेस्ट, क्रेस्ट मीन्स होता है चोटी, टाइपोस्ट हाईएस्ट यानी टॉप, तो बी होगा। रेगर्ड मीन्स होता है बेटा मतलब खराब, अगली। फ्लैप मीन्स होता है फड़फड़ाना, फ्लटर, और स्लैक मीन्स होता है ढीला करना, लूज। तो आप देखिए, ये हमने कैसे मिला लिया, इनकी मीनिंग भी आप लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका है, एंड राइट द राइमिंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द पोयम। आपकी पोयम से राइमिंग वर्ड्स लिखना है, जैसे न्यू का क्या आप लिखेंगे, ब्लू, न्यू ब्लू, ब्लोज का स्लो, सी का ट्री, टेल का सेल। तो इस तरह से आप देखिए कैसे हमने जो राइमिंग वर्ड्स हैं वो लिखे, इन्हें आप लिख के और अपने अध्यापक से इनको चेक कराइएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।